यार इतनी ठंड है और ठंड में हनीमून समझ ही नहीं आ रहा क्या रखूं क्या पैक करूं क्या नहीं पैक करूं ठंड में और एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कौन सी ड्रेस रखूँ काश मुझे भी कोई गाइड करने वाला होता अपने एक्सपीरियंस से गर्ल्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हनीमून इसेंशियल्स यानी हनीमून मून इसेंशियल्स फॉर विंटर्स अगर आपका हनीमून प्लान कर रहे हैं आप ऐसी जगह जहाँ पर जा बहुत ज़्यादा ठंड रहती है लाइक like, मसूरी मनाली शिमला और बाहर के देशों में भी तो उसके लिए ये वाली लिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली क्योंकि आज की इस लिस्ट में मैंने सारी वो चीज़ें इंक्लूड की हैं जो कि एक फ़ीमेल के पास होनी ही चाहिए अपने हनीमून को बनाने के लिए और ज़्यादा स्पेशल ये चीज़ें आप रखना मत भूलिएगा आइए वीडियो करते हैं शुरू चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर के साथ साथ कमेंट भी कर दीजिएगा शादी की शॉपिंग में सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो हनीमून शॉपिंग का होता है तो आज की इस वीडियो में हनीमून शॉपिंग लिस्ट की डिटेल में बात करूंगी और ये खास होने वाली है विंटर्स के लिए यानी अगर आप ऐसी जगह हनीमून जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है तो ये जो लिस्ट है ना ये पूरी मैंने लिखी हुई है आप जरूर से ध्यान से सर्दियों में सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है वुलन्स की तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी आप इनर वेयर जरूर पैक कीजिएगा वुलन इनर होनी चाहिए आपके पास फॉर हर और फॉर हिम दोनों के लिए ही होनी चाहिए इसके साथ साथ आपको वुलन कैप पैक करनी है आजकल स्कल कैप आ रही है स्कल कैप आप ले सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड स्काफ रख लीजिए कुछ ग्लव्स रखिए ग्लव्स बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा ठंड से जब आप ऐसी बर्फीली जगह जाते हैं सॉक्स जरूर से रखिएगा जैक ट मूफलर ये वाली चीज़ें जरूर रखिए इसके बाद आप एक पतला सा ब्लैंकेट ले लीजिए गोजी टाइप का ब्लैंकेट ले लीजिए फॉर शॉर्ट ट्रैवल फॉर लॉन्ग ट्रैवल ऑल्सो क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिप पर जा रहे हैं लाइक अगर आपने कोई ट्रिप प्लान करी है वहाँ से आप बाई कैब बाई कार या बाई बस ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर वो ब्लैंकेट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको प्रोटेक्ट करेगा बहुत ज्यादा कोल्ड से एंड इसके अलावा हैंकी मतलब रूमाल आप रख लीजिएगा साथ में आप वो बॉडी वार्मर रख लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको बता दिया इनर वियर रखने हैं आपको वुलन में तो आप नेक वाले भी रख सकते हैं बॉडी वार्मर ध्यान से रखिएगा वुलन का पायजामा रख लीजिएगा दोनों के लिए फॉर हर और हिम दोनों के लिए रखना है वुलन कोट आप प्रेफर कर सकते हैं हनीमून पे वुलन कोट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कुछ पिक्चर्स में आपको ऐड कर दूंगी आप देख सकते हैं आपको आइडिया लग जाएगा तो गर्ल्स इस तरह के आप वलन कोट्स आप देख सकते हैं इस तरह के कोट्स बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल और अच्छे लगते हैं आप इस तरह की इमेजेस देखिए और इस तरह का आप हनीमून पे लेके जा सकते हैं क्लासी लगता है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है ये है फ्रॉक स्टाइल में कोट्स जो कि आजकल बूट्स के साथ अगर आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्ल्स आप अगर हनीमून ऐसी जगह जा रही हैं बहुत ज्यादा ठंड होती है तो आप वुलन पैड्स और वुलन फुटी जरूर रखिएगा यानी आप कह लीजिए वुलन स्लीपर जो आती है उसे वुलन फुटी कहते हैं उसको आप रख लीजिएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा सॉफ्ट वाला फील होगा आपको और आपको ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये वुलन पैड्स की है तो इस तरह की आप वुलन पैड्स रख सकते हैं एक तरह के वुलन सॉक्स होते हैं जरूर से पैक कीजिए हाई नेक्स रख सकते हैं आप एंड वुलन पंचो रख लीजिएगा वुलन पंचों की मैं पिक्चर ऐड कर दूंगी इस तरह की आप ड्रेस रख सकते हैं शॉल स्टाइल में वुलन पंचो होता है ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा साथ ही साथ बात करते हैं कुछ ड्रेसेस की जो आपको रखनी ही है अब देखिए सर्दियों में ऐसा तो नहीं होता कि आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन के घूमेंगे ऑब्वियसली नहीं आपको चाहिए ऐसी ड्रेसेस जो आपको ठंड से भी बचाए और साथ में आपके लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस कर दें एकदम स्मार्ट लुक दें और आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अपना हनीमून इंजॉय कर पाए गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में स्मार्ट गुड लुकिंग दिखना ही है आपको तो उस केस में आप रख सकते हैं फर वाली शॉल देखिए नॉर्मल शॉल तो आप कैरी करते हैं ही लेकिन फ़र वाली शॉल आपके लुक को एनहांस कर देगी इससे आपका लुक में मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलेंगी तो उसकी इमेज में आपको ऐड कर देती हूँ फर्स्ट ऑल में अगर आप ब्लैक व्हाइट ब्राउन इस तरह के शेड्स लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इस तरह का जरूर ऐड कीजिए आप मैं कहना चाहूंगी गर्ल्स आप वुलन ड्रेसेस रख लीजिएगा वुलन ड्रेसेस की फुल मैक्सी ड्रेस भी आती है वुलन नाइट सूट्स आते हैं इस तरह की चीजें आप जरूर से रखिएगा गर्ल्स इस तरह के वुलन ड्रेसेस को आप बूट्स के साथ स्नीकर्स के साथ बहुत अच्छे से पैर करके वेयर कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड लुक आता है ठंड से भी बचाता है और साथ ही साथ आपकी लुक को स्टैंडर्ड एंड क्लासी बना देता है ये कोट स्टाइल की स्कर्ट वाली ड्रेस है आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये हनीमून में जा रहे हैं तो आप टॉवल के साथ साथ बाथरोब ज़रूर रखिएगा बाथरोब की पिक्चर मैं ऐड कर दूंगी काफ़ी सारी लड़कियों ने पूछा था बाथरोब क्या होता है तो एक टॉवल होती है जो कि आप बात मतलब करने के बाद उसे यूज़ कर सकते हैं उसके बाद आप अपने रूम में आके आराम से चेंज कर सकते हैं इससे आपको कोई भी मतलब टेंशन नहीं रहती है तो ये पिक्चर आप देख लीजिए तो कल जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह की बाथरोब होती है बाथरोब आप रख सकते हैं साथ में आप लेस रोब लेस नाइटी और बेबी डॉल की ड्रेसेस रख सकते हैं ये है मैश ड्रेस मैस्ट्रेस भी आप अपने हनीमून पे लेके जा सकते हैं यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी एक क्लेवेज़ कवर टू हाइड योर क्लेवेज़ है अगर आपका बहुत ही ज़्यादा डीप टॉप है तो आप क्या कर सकते हैं इसके दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के अपनी ब्रा में स्टिक कर सकते हैं इससे आपका क्लेवेज भी हाइट हो जाएगा और आपको ठंड से भी बचाएगा तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है इसको ज़रूर से पैक कीजिएगा अपने हनीमून पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड यूज़फुल है फ़ॉर गर्ल्स अगर आप ये पैक नहीं करना चाहते हैं तो आप ये इस तरह का ड्रेस ले सकते हैं इसमें क्या होता है आप किसी भी टॉप के अंदर इसे पहन सकते हैं उसके ऊपर स्वेटर डाल सकते हैं तो इससे आपका ना क्लेवेज नहीं दिखेगा बहुत ज़्यादा अच्छा है बॉडी टेप आप जरूर से रखिए बॉडी टेप की बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं अगर आपका कोई भी टॉप इधर उधर सरक रहा है स्वेटर लूज हो रहा है तो आप बॉडी टेप को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समर्स में भी ले जा सकते हैं और विंटर्स में भी ले जा सकते हैं आपके पर्स में ऑल टाइम होने ही चाहिए इसको यूज़ करने का तरीका ये बॉडी टेप इस तरह का आता है बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होता है स्किन के लिए यहाँ कहना चाहूँगी बस्ट शेपर ज़रूर लीजिएगा हनीमून पर बस्ट शेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात कर लेते हैं अदर इसेंशियल की जो आपको अपने हनीमून पे कैरी करने हैं बहुत ज्यादा जरूरी है तो सैनिटरी पैड्स बहुत ज्यादा मस्ट है नीडेड है अगर आपकी डेट्स है मैंस्ट्रल कप आप रख सकते हैं इंटीमेट वॉश जरूर कैरी कीजिएगा इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा रेजर एक रख लीजिएगा अगर आपके हेयर्स आ जाते हैं हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपको रेजर की जरूरत पड़ने वाली है आप पेंटी लाइनर्स रख सकते हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि आप इसके अंदर ना एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होती है लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप ज़रूर से उसे पैक कीजिए बॉडी शेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाहे आपने कोई भी ड्रेस पहनी हो चाहे आप समर्स में जा रहे हैं हनीमून पे चाहे विंटर्स में जा रहे हैं बॉडी शेपर्स बहुत ज़्यादा नीडेड है साथ ही बात कर लेते हैं कुछ अदर एसेंशियल्स की आपको पैक करने आपके साथ नैपकिन यानी टिशूज़ रखने हैं अब आप ड्राई भी टिशूज रखिए वेट भी रखिए मेकअप रिमूवर भी रखना है आपको कॉटन रख लीजिए अगर आप मेकअप रिमूवर नहीं रख रहे हैं डिओड्रेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो हनीमून को प्लेजर बनाने के लिए आपके पास डिओड्रेंट्स होने चाहिए साथ ही साथ फेस वॉश हिम और हर दोनों के लिए रख लीजिएगा फेस सीरम रखना है आपको हेयर एंड हेयर ब्रश रख लीजिएगा होटल्स में आजकल हेयर कॉम भी मिलने लगा है लेकिन आप अपना लेके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कैप रखनी है आपको गॉगल्स रखनी है गॉगल्स आप रख लीजिएगा विंटर्स में भी जा रहे हैं फिर भी आप रख लीजिएगा कुछ फोटोज शूट कराने के काम आएगा आपका वॉच रखना है अगर आपके पास वॉच का कलेक्शन है तो दो तीन जितना भी कलेक्शन आप उसे ले जा सकते हैं हनीमून पे वॉच पहन के एक अलग ही मतलब फ़ील आता है तो वॉच आप रख लीजिएगा गर्ल्स आप नेकलेस रख लीजिएगा या नेकलेस को कहूँगी बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी रखनी है क्योंकि अगर आप सर्दियों में हनीमून पे जा रहे हैं यानी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे आप ऐसा हैवी नेकलेस नहीं पहनेंगे ऑब्वियसली आपके सारे ड्रेसेस में कवर हो जाएगा बट येस अगर आपने वुलन ड्रेसेस पहनी हुई हैं मैक्सी वुलन मैक्सी ड्रेस पहनी हुई है तो उस केस में आप अपना कुछ भी इस तरह का नेकलेस डाल सकते हैं मैं कुछ पिक्चर सेट कर दूँगी तो आप देख सकते हैं साथ ही बात कर लेते हैं ईयर की ईयर कलेक्शन आपके पास गर्ल्स होगा ही अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो ईयर आपके पास होंगे ही तो आपको ईयर रखने ही रखने हैं। रिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है और इयर आपके हनीमून में वो फील लाते हैं ना जो एक रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा अच्छा लुक को एनहांस कर देते हैं साथ ही साथ कहूँगी आपके आईडीज़ प्रॉपर रखिएगा एक वॉलेट के अंदर करके आईडीज़ रखिएगा डॉक्यूमेंट्स जो भी जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं पासपोर्ट वीज़ा जो भी आपकी लोकेशन है जहाँ भी आप ट्रैवल करें उस हिसाब से आपको अपनी आईडीज़ के साथ पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स रखने ही रखने हैं यहाँ कहूँगी आप बॉडी पॉलिशिंग क्रीम रख लीजिएगा सर्दियों में ट्रेवल कर रहे हैं गर्ल्स आपकी बॉडी ज़्यादा क्रैक होगी ज़्यादा उसमें ड्राइनेस आएगी अगर आप बॉडी पॉलिशिंग क्रीम रखेंगे तो बाथिंग के टाइम पर बॉडी पॉलिशिंग क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी आपको तो बॉडी पॉलिशिंग क्रीम जरूर रख लीजिएगा अगर आपके पास डी है या कोई भी नॉर्मल कैमरा है तो उसे ज़रूर प्रेफर कीजिए ले जाना कैमरे से आप प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे और हनीमून को इन्जॉय करेंगे वो आप ना लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं पावर बैंक रख लीजिएगा अगर ऐसी जगह मतलब आप जाते हैं जहाँ पे इजीली आपको चार्जर नहीं मिलता तो पावर बैंक के थ्रू अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं तो लैपटॉप चार्जर फ़ोन चार्जर ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको पावर बैंक भी रखना है तो आइए बात कर लेते हैं और चीज़ों की हेयर ऑयल हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ ही साथ आपको शैम्पू रखना है एंड कंडीशनर भी रखना है यहाँ पे हेयर सीरम भी कहूँगी क्योंकि अगर आप विंटर वाली जगह ट्रैवल कर रहे हैं गर्ल्स तो आपके हेयर्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आएगी तो आप हेयर ऑयल के साथ साथ हेयर सीरम भी रखिएगा ताकि आपके हेयर्स शाइनी रहें सिल्की रहें ग्लॉसी रहें और उसमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम ना हो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं उसकी आइडिया ब्लशिंग ब्यूटी फोटू उसको अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके आप अपनी राय बताइएगा क्या चीज़ रह गई है क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी इन एसेंशियल्स की वो भी बताइए बॉडी वॉश आप जरूर से रख लीजिएगा इन बॉडी वॉश के साथ साथ स्क्रब रखिएगा देखिए हनीमून आप कोई एक दिन के लिए तो जाएंगे नहीं ऑफकोर्स आपका हनीमून वन वीक का होगा तो वन वीक में आपको स्क्रब की जरूरत पड़ जाएगी और बाहर जब आप ट्रैवल करते हैं तो डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है चाहे फिर आप कहीं भी ट्रैवल करें तो उस केस में आपको स्क्रब रखना है टूथ ब्रश जरूर रख लीजिएगा और टूथपेस्ट चाहे तो आप छोटा सा टूथपेस्ट भी रख सकते हैं वैसे आजकल होटल्स में मिल जाता है आसानी से बट फिर भी आप छोटा वाला दस पंद्रह रुपये वाला रख लीजिए तो आसानी रहेगी आपको बॉडी लोशन गलती से भी मत भूलिएगा इसको मोस्ट प्रायोरिटी पर रखिएगा बॉडी लोशन एंड लिप बाम दो चीज़ें अगर आप भूल गए तो आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हनीमून पे तो ये चीज़ें ज़रूर से रख लीजिएगा आम सी चीज है लेकिन अगर आप लिप बाम भी भूल गए ना तो आपको हनीमून में ना बार बार लगेगा लिप बाम की नीडेड है आपको इमरजेंसी में खरीदना पड़ेगा इसीलिए लिप बाम और बॉडी लोशन मस्ट है फेस क्रीम रखना है आपको टोनर रखना है रोज़ वाटर रखना है एंड ये कहूँगी मेडिसिन बॉक्स रखना है अब आपकी कोई भी रेगुलर मेडिसिन चल रही है तो आप वो मेडिसिन रखिएगा और कुछ ऐसी मेडिसिन रख लीजिएगा लाइक फ़ीवर की कोल्ड की कफ़ की सर दर्द की जो आम सी बीमारियाँ होती हैं ना उसकी दवाएँ रख लीजिएगा ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आपके पास हो क्या होता है अगर आप घूम फिर के रात को आते हैं ठंड में ना तो आपको कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है हो सकता है आपके हेड हो या थकान ज़्यादा लग रही है और इसमें मेडिसिन होंगी तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है तो ध्यान उस से उसे पैक कर लेते हैं अदर एसेंशियल्स की आपको ध्यान रखना है आप विंटर में जा रहे हैं विंटर में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इंटरनल क्लोथ्स रखिएगा आप अपने इनर वियर को डबल रख लीजिए कम अगर आप फ़ोर पेयर लेके जा रहे हैं तो आप सिक्स टू सेवन पेयर्स लेके जाइएगा क्योंकि सर्दियों में इतनी आसानी से आपके क्लोथ्स ड्राई नहीं होंगे और आपको फिर ज़रूरत होगी इसके बिना काम नहीं चलेगा तो इस चीज़ का आपको खुद ही ख्याल रखना है एंड येस ऑफकोर्स आप हनीमून पर जा रहे हैं तो हनीमून पर आपको प्यारी प्यारी अच्छी सुंदर ब्यूटीफुल सी लॉन्जरेज रखनी है जो भी आपको अच्छी लगी कंफर्टेबल हो वो रख लीजिएगा साथ ही कहूँगी यहाँ पर हेयर ड्रायर ज़रूर रखिएगा हेयर ड्रायर के बिना अगर आप हनीमून पर जाएंगे वो भी ऐसी जगह तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी क्या होता है जब आप सर्दियों में हेयर वॉश करके आते हैं ना तो आपकी बाल ना दो से चार घंटे तक सूखते ही नहीं है और उस केस में अगर आप ड्राई मतलब वेट हेयर से बाहर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चिपचिपे लगेंगी और बालों की जो फोटोज़ है ना वो उतना लुक नहीं आएगा आपका तो आप हेयर ड्रायर से अगर ड्राई करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल लुक आएगा पिक्चर्स भी अच्छी आएंगी तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ साथ ही कहूँगी यहाँ पे आप हैंड बैग रख लीजिएगा हैंड बैग्स के साथ साथ आपको फुटवेयर भी रखने हैं सर्दियों की बात है तो सर्दियों में आप बूट्स रख सकते हैं शूज़ रख सकते हैं स्नीकर्स रख सकते हैं ये ऑप्शन हैं इसके अलावा आप सैंडल भी प्रेफर कर सकते हैं अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत हल्की ठंड पड़ती है तो तो आप नॉर्मल फुटबेयर भी वेयर कर सकते हैं लेकिन ऐसी जगह ट्रैवल करें जब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ऑफ कोर्स आपको फिर बूट्स एंड शूज़ ही प्रेफर करने पड़ेंगी एंड साथ में कहूँगी आप बेल्ट ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि आपको ठंडी में ट्रैवल करना है आप जीन्स वग़ैरह वेयर करेंगी एंड उसमें प्रॉपर बेल्ट की जरूरत पड़ेगी एंड यहाँ कहना चाहूँगी कर देती हूँ एक बूट्स आते हैं फॉल बूट्स अगर आपने देखे होंगे बहुत हाई बूट्स होते हैं थाई हाई बूट्स होते हैं वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आपने ऐसी ड्रेस भी पहन रखी है ना कोई वुलन में तो उसके ऊपर भी परफेक्ट जाता है तो आप वो पिक्चर के देख लीजिए उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं बस हनीमून इसेंशियल लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कोई भी क्वेरी हो तो जो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड यहाँ पे मैं मेकअप का सामान अभी नहीं बता रही हूँ अगर आप मेकअप का सामान जानना चाहते हैं कि हनीमून मेकअप इसेंशियल्स को भी मैं शेयर करूँ तो कमेंट कर दीजिएगा उसका पार्ट टू लेके आऊँगी हनीमून मेकअप इसेंशियल्स जो कि आपको लेके जाना है कौन सा सामान मेकअप का लेके जाना है कौन सा नहीं लेके जाना है वो भी बता दूँगी और कोई भी सामान रह गया हो तो आप प्लीज़ उसको नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मेरे साथ साथ मेरे व्यूअर्स को भी पता चल सके एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ ग्रेट डे टेक केयर